साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अमेजन द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज बारे में बात करेंगे। हम भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुछ द्वीप। तो भारतीय मान्यता के अनुसार भारत जो है वो जम्बू द्वीप का ये भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। तो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ तो वो ग्रीक भाषा में होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 60 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पता होगा जैसे भारत की बात करते हैं, ये पूरे भारत मान लिया हमारा देश है, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि, यहाँ पे जो द्वीप की बात नहीं की, दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस अक्षांश पे। तो याद रखिएगा वो 8.4 उत्तरी अक्षांश पे है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 8.4 उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यान रेखा है, ठीक है, जहां से हमारा टाइम डिवाइड मतलब डिसाइड होता है? ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, बी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, सी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपको पता होगा हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? मोबाइल यूज का आपको पता ही होगा। ए 7 घंटे 15 मिनट, बी 2 घंटा, सी 5 घंटा 30 मिनट और डी 3 घंटा 45 मिनट। तो इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट हमारा टाइम उनसे आगे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारी टोटली स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर और डी आपका सॉरी बारह हाँ 1200 किलोमीटर और डी 15200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की टोटली लंबाई है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, 15200 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई, ठीक है, इनका जो मुख्य भूमि है, ये तीनों द्वीप वगैरह है, इनके जो मुख्य भूमि के जो समुद्र तट की लंबाई है वो पूछी जा रही है। ए 8123.1 किलोमीटर, बी 8614.4 किलोमीटर, सी 7818.7 किलोमीटर और डी 7516.6 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक कितनी दूरी है? मतलब हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये टोटली मुख्य दूरी की यहाँ से दूरी पूछी जा रही कितनी है? ए 29 से 14 किलोमीटर, बी 32 से 14 किलोमीटर, सी 37 से 85 किलोमीटर और डी 41 से 9 किलोमीटर। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कितनी दूरी है। तो ये जो नॉर्थ से साउथ भारत की दूरी है वो कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी, अब ये पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, नॉर्थ है साउथ है। तो जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर और डी 3214 किलोमीटर। तो ये भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो हमारी कितनी है, 2933 किलोमीटर। भाई हमसे पूछता है नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ तो हम क्या बोलते हैं हमारा, 3214 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है? ए 61 किलोमीटर, बी 62 किलोमीटर, सी 6,100
175 किलोमीटर और डी 6500 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी बारी है, 6100 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। तो जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है कुल विश्व का 2.4% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो ये संपूर्ण भारत पर, भारत का जो मतलब भौगोलिक विस्तार है मैदानों का, हमारा कितना है, अबाउट मतलब लगभग 43%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्र की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है, ए 10 समुद्री मील, बी 14 समुद्री मील, सी 12 समुद्री मील और डी 15 समुद्री मील। तो भारत की जो समुद्र की जो प्रादेशिक सीमा का विस्तार है वो हमारा 12 समुद्री मील है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, 12, 12 नॉटिकल मील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसमें गुजरात राज्य है, इसकी जो तट रेखा है वो पूरे भारत में सबसे लंबी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मिजोरम। तो आपको पता होगा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका जो उड़ीसा है वो नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मतलब जो आपका दक्षिणी नोक है वो क्या है, ए कैप कोमोरिन, बी इंदिरा पॉइंट, सी कैलिमेवर पॉइंट और डी नरीमन पॉइंट। देखिए मुख्य भूमि बोला जा रहा है, वो अंडमान निकोबार मत जाइएगा, क्योंकि जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है। तो जो भारत की जो सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसका नाम क्या है, कैप कैमोरिन। क्या नाम है, कैप कैमोरिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, ए पार्सल पॉइंट, बी लाहिंग चिंग, डी पिगमिलियन पॉइंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है इसका जो एग्जैक्ट नाम इनमें से कोई नहीं है, उसकी देखना सब अलग अलग पॉइंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात की, देखिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, सॉरी ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो सबसे उत्तरी भाग की बात करें, ए इंदिरा पॉइंट, बी पिगमिलियन पॉइंट, सी पार्सल पॉइंट और डी इंदिरा कॉल। तो ये सबसे उत्तरी भाग है, इसको किस नाम से बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ए तमिलनाडु, बी लक्षद्वीप, सी केरल और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है बिल्कुल आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इधर पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं श्रीलंका, सी भारत एवं बांग्लादेश, डी भारत एवं म्यांमार, ठीक है। तो एडम्स ब्रिज है जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है, किसके मध्य है आपका, भारत और श्रीलंका के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ए मन्नार की खाड़ी, बी 11 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल और डी पाक जल भूमध्य। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको जो अलग करने का कार्य वो आपका 10 डिग्री चैनल करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है, ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो जो आपका डंकन पास है ये आपका दक्षिणी अंडमान और जो छोटा अंडमान है इसी के मध्य आपका स्थित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को
अलग करने वाली जल राशि है? ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल डमरूमध्य और डी 10 डिग्री चैनल। तो जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाला चैनल है उसको क्या बोलते हैं हम, पाक जल संधि या पाक जल डमरूमध्य बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ए 5, बी 3, सी 6 और डी 4। तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी चाइना। जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड और डी वियतनाम। तो ये सुदूर पूर्व की बात की जा रही है तो उसमें आपका जो म्यांमार देश है जिसको पहले हम बर्मा कहते थे यही भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। तो जो आपकी मैकमोहन रेखा है वो भारत के भारत को चीन से अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के साथ अलग करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखिए समुद्र सीमा सबसे छोटी की बात की जाए, ठीक है, ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो सबसे छोटी आपके समुद्र रेखा है जैसे सबसे छोटा राज्य कौन सा, केरल, तो उसी की जो समुद्र तटीय रेखा होगी सबसे छोटी होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत पाक, बी भारत चीन और डी भारत म्यांमार। तो जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सबसे लंबी है। जैसे देखते हैं ना भारत जो बांग्लादेश है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो लंबा तो देखा होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए काठियावाड़ तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी कोरोमंडल तट। तो इसमें जो हमारा जो कोरोमंडल तट देखते हैं ये आपका पश्चिमी पूर्वी भाग का, जिस भारत को देखते हैं तो पूर्वी भाग का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए दीघा तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट और डी कोंकण तट मालाबार तट। तो जो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए गोवा से कोची, बी गोवा से दमन, सी गोवा से दीव और डी गोवा से मुंबई तक। गोवा तो जाना ही है आपको, ठीक है, जो आपका कोंकण तट है ये आपका गोवा से दमन तक, कहाँ तक आपका गोवा से दमन तक ये आपका फैला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ए दमन, बी पांडिचेरी, बी सी द्वीप और डी दादर एवं नगर हवेली। तो इसमें जो आप देखते हैं ऑप्शन सी द्वीप, द्वीप एक क्या तरह से द्वीप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है? आपको पता होगा जो माजुली एक द्वीप है, ए मतलब नदी द्वीप है, ए सिक्किम, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। जो माजुली द्वीप है ये आपका असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में, ब्रह्मपुत्र दो धारा निकल जाती है तो बीच में एक आपका छोटा सा स्थान बन जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका लक्षद्वीप समूह है यह भारत में आपका अरब सागर में पड़ता है, किस तरफ, अरब सागर जिस वाले इस तरफ देखते हैं कि अरब सागर का क्षेत्र है इधर ही पड़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हरियाणा। जो थार का रेगिस्तान है वो आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप समूह, सी अंडमान व निकोबार समूह और डी दादर नगर हवेली
दमन एवं दीप, मतलब क्वेश्चन पुराना है ये, ठीक है। हमें ये बताना है इसमें कौन सा जो क्षेत्र है वो आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद का जुड़वा शहर है, ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद, बी आदिलाबाद। जो हैदराबाद को जो जुड़वा शहर बोलते हैं किसको बोलते हैं? सिकंदराबाद को। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर है, ए एर्नाकुलम, बी एलवॉय, सी एलेप्पी, डी कोट्टायम। जो कोच्चि का जो जुड़वा नगर बोलते हैं वो बोलते हैं एर्नाकुलम को। किसको बोलते हैं? एर्नाकुलम को, जो केरल का ही दोनों है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ए गिलगित क्षेत्र, बी सियाचिन क्षेत्र, सी छो मोरारी क्षेत्र और डी अक्साई चीन। तो जो भारत ने सॉरी चाइना ने जो हमारा जो एरिया कब्जा रखा है उसको वो अक्साई चीन कहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है ए जुरासिक भूखंड, बी इंडियाना, सी आर्यभट्ट, डी गोंडवानालैंड। तो जिस भारतीय उपमहाद्वीप जिस भूखंड का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? हम गोंडवानालैंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? मैं बता रहा नहीं गुजरती। ए छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो आप देख रहे हैं जो भी राज्य इसमें से मणिपुर से आपकी कर्क रेखा का नहीं गुजरती है, गुजरती तो भारत के मध्य से लगभग 8 राज्यों से है जिसमें आपका मणिपुर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? देखिए राज्य और केंद्र शासित दोनों प्रदेश पूछ रहा है, ठीक है। ए 8, बी 2, 6 मतलब सी 6 और डी 9। हमें बताना है यूपी की सीमाएं वो कितने राज्यों से लगती है। देखिए अगर केवल राज्य होता तो हम 8 बोलते हैं, तो चूंकि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों है इसमें दिल्ली भी जुड़ जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, डी इजराइल और सीरिया। तो जो आपका न्यू मूर द्वीप समूह है ये भारत और बांग्लादेश किसके बीच में आपका भारत और बांग्लादेश के बीच लड़का से विवाद चलता रहता है जो सुधर जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ए 11%, बी 14%, सी 17.5% और डी 21%। तो रिसेंट डेटा तो और बढ़ेगा बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 17.5% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी और पूर्वी, बी उत्तरी और पश्चिमी, सी दक्षिणी और पूर्वी और आपका डी उत्तरी और दक्षिणी। तो जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। किसका भाग है आपका? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसमें जो आपका नागालैंड है इसकी जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? क्या बोल रहा है? सटा हुआ नहीं है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो महाराष्ट्र है ये राजस्थान की सीमा को टच नहीं करता है, बाकी तीनों ही राज्य करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? देखिए एमपी की सीमा के साथ नहीं लगती है। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमको ये बताना है किसकी सीमा मतलब नहीं लगती है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपकी एमपी के साथ जो आपका उड़ीसा है इसकी सीमा नहीं लगती, अगर आप नक्शे को कुछ इधर पता हो, बाकी तीनों राज्यों की सीमाएं टच करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ए द्वीप दीव, बी दमन, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डी आपका लक्षद्वीप। तो इसमें जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? ए अंडमान, बी दीव, सी लक्षद्वीप और डी बिलादीप।
तो उड़ीसा का जो आपका पिलर द्वीप है, इसी का नाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम जी के नाम पे रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और नेपाल, सी भारत और चीन, डी चीन और नेपाल। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना दिखाते हैं कि मेरा है मेरा है, बट कब्जा तो से भारत का ही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो जो कोंकण और मराठवाड़ा है और विदर्भ है, समझ गए नाम से ही, आपका कहाँ? आपका महाराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? ए चीन, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, देखिए जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां से क्वेश्चन भयंकर बनते हैं, तो याद रखिए। ठीक है, ठीक है। ए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बी नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सी नागालैंड, असम, मिजोरम, डी नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। अगर आपको एक ट्रिक पता है कि कौन सा इसमें से टच करेगा और कौन सा इसमें टच नहीं करेगा, तो फिर वहां से आप आराम से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये तीनों के तीनों ही आपके मणिपुर से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से को स्पर्श करती है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी असम। त्रिपुरा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब तीन पुरा, मतलब तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसलिए त्रिपुरा भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम और डी मणिपुर। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, मेघालय, असम, मणि, त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों ही साझा करते हैं, बट जो मणिपुर है ये आपका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो जो भारत का पूर्वोत्तर जो पूर्वतम स्थान कह सकते हैं वो कहाँ आ रहा है, वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम क्या है, कीबथू। क्या नाम है आपका? कीबथू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? ए वोका, बी मोंगकोंग चंग, सी दाऊलचारा और डी किबितो। किबितो है, किबितो जो लिखा रहता है। तो जो भारत का जो सुदूर पूर्वी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, किबितो, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? ए अंडमान द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी निकोबार द्वीप समूह और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का में जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप है ये आपका कहाँ है, आपका अंडमान द्वीप समूह में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 में हेवल हॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है, जो हेवल हॉक द्वीप था बहुत आपका न्यूज में था, इसका नया नाम क्या रखा गया है? ए शहीद द्वीप, बी स्वराज द्वीप, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और डी वीर सावरकर द्वीप। तो जो आपका हेवल हॉक द्वीप था उसका नाम क्या रखा गया, आपका स्वराज द्वीप। क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा कि जो आपका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अरुण, अरुण किसका परिवाच्य है आपका, किरणों का परिवाच्य, सूर्य किरणों का। तो इससे कोरिलेट करेंगे, क्या करेंगे आप, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, और हमारा पूर्वोत्तर राज्य भी जो है यही पहले दिखाई देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं, मतलब तीन बड़े राज्यों को बताना है। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी बी ऑप्शन हमारा कह रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखिए आपको पता होगा अगर एक भी ऑप्शन अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको पता है जो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, वो क्या आपका है, राजस्थान है। देखिए राजस्थान सब में है,
तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब राजस्थान से छोटा क्या पड़ता है आपका, एमपी। एमपी से छोटा क्या पड़ता है आपका, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब इच्छा आगे आगे बढ़ने को सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व भारत की सात बहनों का भाग नहीं है, मतलब जो सेवन सिस्टर्स कहते हैं, इसमें से कौन सा राज्य उनका भाग एक भाग नहीं है। ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। तो देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे उसके भाग हैं, बट जो पश्चिम बंगाल है ये आपका सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। तो इसमें जो हमारा राज्य है आपका सिक्किम, ठीक है, जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा आपके नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, मतलब पश्चिम तटीय मैदान कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट और डी कन्नड़ के तटीय मैदान। तो इसमें जो कोरोमंडल तट है ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, ये पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, देखिए पश्चिम बिंदु की बात कर रहा है कि भारत का सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है। ए 43 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, सी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। देखिए तो अगर आप बात करते हैं नक्शे की, देखिए ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में कि जो सबसे पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु होगा यहीं पे होगा, ठीक है। बट जो बिल्कुल आप कोरिलेशन की बात करते हैं, भले राजस्थान यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बट जो सबसे पूर्व में पड़ता है वो आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मतलब अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ए मालवा का पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार, डी प्रायद्वीपीय पठार। तो जो आपका मालवा का पठार है वो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ए अमरेली, बी दादोह, सी मरुच, डी गुहरमाता। तो जो पश्चिमी बिंदु की बात की जा रही है, सबसे पश्चिमी बिंदु वो कहाँ आपका पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। उसका नाम क्या है, कुछ जगह गौर माता होता है, कुछ जगह गुहार माता लिखा होता है, आप देख लिए, थोड़ी सी मात्रा में दिक्कत हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है। देखिए उप हिमालय क्षेत्र बोला जा रहा है, ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भामर। जो भारत के जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके जो आपका सहारे जो फैले मैदान है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, भामर क्षेत्र क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भामर क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरी निवेशिका या कोरी क्रीक कहते हैं जिस पर स्थित है, वह है क्या, कक्ष की खाड़ी, बी कच्छ का लिटन रन, सी खंबात की खाड़ी और डी कच्छ का रन। तो जो कच्छ का लिटिल रन है, लिटिल रन बोलते हैं छोटा क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोरी क्रीक, क्या बोलते हैं, सर क्रीक नहीं है, कोरी क्रीक याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब ये कि दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रों से मिला हुआ है, ठीक है, हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को देखना है। ए ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार। तो चूंकि आपको पता है कि हमारे जो दो राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश और बन गए, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, तो उनको मिला जुला के हमारे चार ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई भूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है। ए भारत के उत्तरी भाग में, बी भारत के पश्चिमी भाग में, सी भारत के दक्षिणी भाग में, डी भारत के पूर्वी भाग में। तो जो आपका पटकाई भूम है वो भारत के किस भाग में, आपके पूर्वी भाग में, क्योंकि जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है यहाँ इसी क्षेत्र आपको मिल जाएगा म्यांमार से अलग करता हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, पूर्वांचल पहाड़ियों की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ए पालनी पहाड़ियां, बी नगा पहाड़ियां, सी मिजो पहाड़ियां और डी मणिपुर पहाड़ियां।
तो ये जो पाली पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये आपका पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग नहीं है, बाकी सारी क्या है पूर्वांचल पहाड़ियों का ही हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? ए गंगा, बी कावेरी सॉरी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो शिव समुद्रम नदी द्वीप है, नदी है शिव समुद्रम जो परियोजना है वो आपका कावेरी नदी पर बनाई गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? ए हमीरपुर, बी रामपुर, सी मिर्जापुर, डी संबलपुर। तो अब तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पता ही होगा आपको कि जो भारतीय मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये मिर्जापुर के क्लॉक टावर से इसकी गणना की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? ए बेलीकोंडा, बी गिरनार, सी नीलगिरी और डी एनाकोंडा। तुमको ये बताना है जो हमारा दक्षिणी बिंदु है प्रायद्वीपीय पठार का वो किस से चिन्हित है, उसको किससे बोलते हैं? नीलगिरी से। किससे बोलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी से हमारा ये चिन्हित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार और डी कोंकण। तो जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है इसको संयुक्त रूप से हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? ए अक्षांशीय विस्तार, बी क्षेत्रीय आकार, सी देशांतरी विस्तार और डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत जो एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है वह उसके अक्षांशीय विस्तार के कहलाते के चलते कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? ए फ्रांसीसियों को, बी पुर्तगालियों को, सी डचों को, डी अंग्रेजों को। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके पुर्तगालियों को एंड पोर्चुगीज को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक नाम है। ए कोंकण तटीय मैदान, बी कोरोमंडल तटीय मैदान, सी मालाबार तटीय मैदान और डी गुजरात का मैदान। थोड़ा सा अगर कोरिलेट करेंगे आप तो पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी रक्षा मंत्रालय, सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, डी भारतीय सर्वेक्षण। तो जो आपका भारतीय संरक्षण विभाग है ठीक है यही क्या करता है भारत के भौगोलिक मानचित्रों को तैयार करता है और उसको पब्लिश भी करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ए भारत को श्रीलंका से, बी अंडमान को निकोबार से, सी लक्षद्वीप को मालदीव से और डी इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का श्रेय है वो किसको जाता है हमारा? वो 8 डिग्री चैनल को जाता है। किसको जाता है आपका? 8 डिग्री चैनल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो इसमें जो असम राज्य है ये आपका नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी तीनों राज्य करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? देखिए सबसे पूर्वी पूछ रहा है इधर वाला और सबसे पश्चिमी राज्य को। ए असम और राजस्थान, बी असम और गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जा रही है ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वो है ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी कोरोमंडल तट। तो जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके मध्य है? तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी म्यांमार। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है या और पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? क्या पूछा जा रहा है? भूटान के साथ नहीं लगती है। ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय और डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमें ये बताना है किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो अगर आपको मैप अच्छी तरह था आप देखेंगे जो मेघालय है ये बिल्कुल नीचे पड़ जाता है, ठीक है, इस तरफ नक्शे में, तो इसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो हमें ये बताना है कि मन्नार की जो खाड़ी है किसके तट के साथ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी स्थित है ए नागा पहाड़ी में, बी खासी पहाड़ी में, सी गारो पहाड़ी में, डी मिकिर पहाड़ी में। तो ये चेरापूंजी है जो कि पहले सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र था, इसमें तो मानसिन राम है, तो वो आपका खास स्थान हो जाएगा। तो खास स्थान कहाँ रहेगा आपका? खासी पहाड़ी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो जो आपका कोरोमंडल तट है ये पड़ता है आपका तमिलनाडु राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ए शिवालिक पर्वतमाला, बी वृहत हिमालय, सी दक्कन का पठार और डी अरावली पर्वतमाला। तो आपको पता होगा कि जो आपका संरचनात्मक रूप से जो मेघालय का क्षेत्र है वो दक्कन का पठार का ही भाग माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ए तमिलनाडु, बी असम, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। ये बुग्याल और कुछ जगहों से पयाल भी बोलते हैं, पयाल, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? जुड़वा शहर नहीं है। अहमदाबाद और गांधीनगर, बी त्रिशूर और तिरुवल्ला, सी हुबली और धारवाड़, डी कटक और भुवनेश्वर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है त्रिशूर और तिरुवल्ला ये आपका जुड़वा शहर नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या ये है जुड़वा शहर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? क्या बोल रहा है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। ए लक्षद्वीप, बी बंगाल की खाड़ी, सी कक्ष की खाड़ी, डी कैम्बवे की खाड़ी। तो जो आपका कैम्बवे की खाड़ी है यहीं पे आपके प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? ए एजिना, बी प्रोमेथियस, सी टाइफोन और डी टेथिस सागर। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हुआ है इसे हम टेथिस महासागर के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पड़ोसी देश पूछा जा रहा है। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी नेपाल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो गुजरात की सीमा है वो किससे मिलती है हमारे आपके पाकिस्तान से, किससे मिलती है? पाकिस्तान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो केवल बांग्लादेश से मतलब एक ही देश के साथ घिरा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा आपका है? मध्य प्रदेश। वही अगर पहला पूछता तो क्या बोलते हैं हम? राजस्थान। चौथा पूछता तो क्या बोलते हैं हम? उत्तर प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? एक संघ राज्य क्षेत्र पूछा जा रहा है और सबसे छोटा पूछा जा रहा है। ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप और डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य
भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? क्या पूछा जा रहा है? भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी बिहार। तो इसका आंसर आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। जो बिहार है ये हमारा भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता क्योंकि बिल्कुल पूर्वोत्तर का राज्य है सारे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ए सतपुड़ा पर्वतमाला, बी पश्चिमी घाट, सी विंध्यन पर्वतमाला और डी पूर्वी घाट। तो जो आपका पश्चिमी घाट है इसी को हम किस नाम से आते हैं? हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संघराज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? ए पुदुचेरी, बी दमन और द्वीप, सी दादर और नगर हवेली, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इन्हीं के नाम पे हमारा एक अंडमान सी भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? ए दीव और केरल के बीच में, बी महाराष्ट्र और केरल के बीच में, सी खंबात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच में, डी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। तो ये जो आपका पूर्वी तट है ये कहाँ स्थित है? आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्या बताना है? सही नहीं है। ए पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये तो बिल्कुल सही है हमारा। बी कह रहा है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सही है भाई कि जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपका महेंद्रगिरी पर्वत है। सी पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं गलत है ये, क्योंकि जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पश्चिमी घाट की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें मिल गया, ऑप्शन क्या सी हमारा गलत है, बाकी सारे सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।